नमस्कार दोस्तों, आज 18 अगस्त 2022 दिन वीरवार। दोस्तों आज तो मैं गांव में आ गया दो दिन के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए। सोचा आपको आज का प्याज का रेट बता दूं, उससे पहले आपको भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई। चलिए जान लेंगे दोस्तों आज का दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई और किसानों की हड़ताल का जानेंगे क्या असर हुआ, प्याज के दाम बढ़े या नहीं। सर जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार नमस्कार भाई साहब। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई जी। देखो भाई साहब अराइवल आज फ्रेश अराइवल जो है 42 गाड़ी की है। हाँ जी। और नीचे ऊपर मिला के 74 गाड़ी माल है कुल, सिर्फ नीचे ऊपर मिला के। अच्छा जी। हाँ 13 गाड़ी कल की खड़ी है, तो खड़ी गाड़ी कल और आज की ताजी अराइवल और कल की 13 गाड़ी खड़ी लेके 55 गाड़ी खड़ी है। हाँ जी। और करीब 20-22 गाड़ी नीचे है। अच्छा जी, तो आज का कैसा चला जी बाजार, क्या स्थिति है जी। स्थिति ये भाई साहब की देखो अराइवल आज जितनी भी है उसमें ज्यादा राजस्थान की ही अराइवल है, 31 गाड़ी राजस्थान की है। हाँ जी। इसमें कुछ आमन भी है, दो चार गाड़ी अजमेर की भी है। हाँ जी। और जोधपुर मथानिया भी है दो तीन गाड़ी। हाँ जी। बाकी सब कुछ आमन है, 31 गाड़ी राजस्थान है। हाँ जी। और 8 गाड़ी नासिक है, 7 गाड़ी पूना है। हाँ जी। और 9 गाड़ी एमपी है, सिर्फ 9 गाड़ी। अच्छा जी। तो इस वजह से मार्केट आज थोड़ा टाइट है, 1 रुपया कल से और टाइट है आज। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी। तो सर जी जैसे अपना ये हड़ताल चल रही जी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, तो ये हड़ताल देखिए ये हड़ताल आपको बताया था ना मैंने एक दिन, आपने और इंटरव्यू लिया था मेरा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये हड़ताल इनकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि कारण क्या है कि किसान का माल बरसात की वजह से किसान का माल इस बार ज्यादा खराब हो रहा है, एमपी में भी महाराष्ट्र में भी। हाँ जी। तो इसलिए किसान हड़ताल में ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ जी। मैंने आपको याद होगा जब आपने मेरे से पूछा था तभी मैंने आपको ये बात बोला था कि वहाँ का किसान इस मामले में दो फाड़ है। हाँ जी। तो पहले दिन तो सब जगह अराइवल की शॉर्टेज थी, हर जगह 16 तारीख को हर जगह अराइवल शॉर्ट थी। अच्छा जी। नासिक की भी सभी मंडियों में और एमपी की भी मंडियों में। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना। लेकिन कल से अराइवल फिर सब जगह आनी चालू हो गई है। हाँ जी। मतलब और दिनों जितनी तो नहीं थी लेकिन फिर भी मतलब नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है। कल बिंचोर वगैरह में 500 नक्की अराइवल थी लगभग। अच्छा जी। और लासल गांव मंडी में थी, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ लासल गांव में 1084 नग था। अच्छा जी। यानी जिन किसानों का काम नहीं चल सकता रोके से, वो मंडी में माल लिया है वहाँ भी दोबारा सब ला रहे हैं भाई साहब। नॉर्मल अराइवल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब जितनी अराइवल पहले आ रही थी उतनी ही अराइवल आनी चालू हो गई। 900 नग बिंचोर में था कल दोपहर पहले वाले मतलब मार्केट में, सुबह वाली मार्केट में 486 नग था। अच्छा जी। शाम तक 900 नग हो गया था। लासल गांव में 1084 नग था। अच्छा जी। सिंपल गांव में भी 650 नग था करीब। अच्छा जी। तो इस तरह से मतलब नॉर्मल अराइवल आनी चालू हो गई सब जगह, वो खाली एक दिन जरूर अराइवल की शॉर्टेज थी, बाकी सब जगह नॉर्मल अराइवल आनी चालू हो गई है। चलो दिल्ली में तो बाजार उठा जी, इसका तो फर्क पड़ा हड़ताल का जी कुछ दिल्ली। हाँ जी। वो एक दिन क्या हुआ ना कि एक तो दो दिन के बीच में छुट्टी आ गई थी। हाँ जी। 15 अगस्त और 14 तारीख का संडे था, 15 अगस्त को छुट्टी आ गई थी। हाँ जी। फिर इसके बाद 16 तारीख को सब जगह अराइवल थोड़ा शॉर्ट थी। हाँ तो क्या हुआ कि और सब जगह मार्केट थोड़ा सा 1,000 रुपए पीछे सब जगह टाइट हुई, तो माल यहाँ से उठ गया। अच्छा जी। मतलब जो भी सेल पॉइंट थे जहाँ के, मतलब यही खाली दिल्ली ही नहीं हर जगह का सेल पॉइंट जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ है। चलो ये मतलब, तो बड़ी खुशी की बात जी, कल भी 1 रुपया उठा था, आज फिर 1 रुपया और प्लस हुआ जी। हाँ जी हाँ जी। तो आज जो हाई क्वालिटी के टमाटर है सर जी, नए प्याज है अपना, कहाँ तक पहुँचा जी है। देखो जी अभी तो ऊपर में क्या बिका आज नासिक आज 20 रुपए तक बिक गया। नासिक जहाँ 18 रुपए तक ही ऊपर में बिक रहा था, आज नासिक 20 रुपए बिक गया। अच्छा का सुपर माल होगा तो वो 21 रुपए भी बिकेगा। अच्छा जी। और जो नॉर्मल एमपी का भी सुपर माल 790 रुपए बिका है। अच्छा जी अच्छा। मतलब लगभग समझो अभी 20 रुपए हो गया ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 20 रुपए हो गया जी। हाँ जी। तो सर जी आज का राजस्थान में भी कुछ देखने को मिला जी राजस्थान के। हाँ जी हाँ जी। राजस्थान की भी पोजीशन टाइट है, जहाँ पहले 400 से 600 थी पोजीशन, अभी आज पोजीशन है वो 450 रुपए से लेके 650 रुपए की।
बढ़िया माल जो है वो 700 रुपए भी बिके हैं। अजमेर वगैरह का माल 700-750 रुपए तक बिका है बढ़िया माल। हाँ जी, तो क्या जी फिर तो ये बाजार रुक जाए जी यहाँ पर, हो सकता है जो किसान सपोर्ट करेंगे फिर 1-2 रुपए और उठ सकता है जी। देखो भाई साहब अभी और ज्यादा तो नहीं उठेगा अभी, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी तो अभी फिलहाल सब जगह मंडियां, अभी जैसे अभी दिल्ली है 2 दिन से यहाँ नॉर्मल अराइवल आ रही है, कल 40 गाड़ी थी आज फ्रेश अराइवल 42 गाड़ी है। हाँ जी, तो जब तक अभी ये 40-50 गाड़ी 60 गाड़ी तक अराइवल आती रहेगी तब तक ये मार्केट टिकी हुई है। अराइवल जब फिर बाई दबे पीछे से लोडिंग ज्यादा हुई, अराइवलें आगे बढ़ेंगी मंडियों में, तभी जाके मार्केट टूटेगी, नहीं तो अभी ये मार्केट अभी ऐसे यहाँ रुक जाएगी, यहाँ चलेगी। हाँ जी, इनका ग्राहकों का ऐसा भी तो होता है ना, दिल्ली वालों का मैंने इनका देखा जी, जैसे मान लो कल 1 रुपया उठा ना जी और आज फिर 1 रुपया उठा, तो ये स्टॉक करने लग जाते हैं दुकानदार 10-10 कट्टे एक्स्ट्रा। नहीं अभी वो टाइम नहीं आया है स्टॉक करने वाला, अभी तो नहीं स्टॉक करेंगे। हाँ जी, क्योंकि अभी अभी हर कोई सबके दिमाग में ये है कि भाई अभी ये अराइवल की शॉर्टेज की वजह से ये मार्केट थोड़ा बढ़ी है, तो अगर कहीं आगे चल के अराइवल अगर बढ़ेगी तो हो सकता है नीचे जाए मार्केट, इस वजह से अभी तो नहीं स्टार्ट कर रहा है। अभी तो समझो परसों 60 गाड़ी माल बिका था, कल 50-55 गाड़ी माल, कल भी 50-55 गाड़ी ही माल बिका है। स्टॉक का मतलब वैसा स्टॉक नहीं जी सर जी, स्टॉक का मतलब है मैं समझ रहा हूँ कि मतलब 2 दिन का माल ले लेते हैं। हाँ वो 1-2 दिन का तो खैर नॉर्मल है कि जब थोड़ा सा मार्केट उठती है तो फिर जहाँ उसको जिसको 4 कट्टा लेना है तो 6 कट्टे ले जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जो 10 कट्टे ले जाने वाला होता है वो 15 कट्टे ले जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो नॉर्मल नेचर होता है कि जब थोड़ा सा मार्केट बढ़ती है। चलो बढ़िया जी, शुभ संकेत है जी, किसानों ने कुछ थोड़ा करा, 1-2 रुपया तो बाजार उठा जी कुछ तो। हाँ जी, किसान के घर में ये है कि, हाँ जी, हाँ जी, अब ये है कि थोड़ा सा 1-2 रुपए ये मार्केट उठी है, तो ये हफ्ता 10 दिन मेरे ख्याल से ये मार्केट 1-2 हफ्ता अभी चलेगी, ये हफ्ता तो कम से कम अभी चलेगी चलेगी। नेक्स्ट वीक में अगर अराइवलें बढ़ेंगी मंडियों में, हाँ जी, तो ही मार्केट 1-2 रुपए नीचे आएगा। हाँ जी, और नहीं तो नहीं। अब हाँ ये है कि क्योंकि माल रुक नहीं रहे हैं, इसलिए किसान की भी मजबूरी है कि उसको माल निकालना है। हाँ जी, हाँ जी, अभी अगर माल अच्छे माल पड़े होते तो किसान फिर इतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में 1-1.5 महीने से कंटिन्यू किसान मंडियों में माल ले जा रहा है, इतनी स्पीड में थोड़ी ले जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अब ये अच्छा MP देख रहे हो, अभी भी बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही, महाराष्ट्र में बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है, दोबारा शुरुआत से होगी बरसात की ना जी। हाँ जी, हाँ जी, और ज्यादा है, ये भी नहीं कि थोड़ी है, ज्यादा है। हाँ जी, हाँ, ये है कि मौसम खुलने के बाद किसान एक बार माल ले आएगा स्पीड में, क्योंकि माल उसका खराब हो रहा है, तो वो बरसात जब रुकेगी तो एक बार वो स्पीड में ले आएगा, तो 1-2 हफ्ते के लिए मार्केट थोड़ा सा बैक मार सकती है, लेकिन इसके बाद जो मार्केट सही हो जाएगी तो फिर ठीक चलेगी, मार्केट फिर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी एक बार भाई साहब, RC टेलर, 991 सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 98110 1579। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद।